नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। समस्तीपुर से अनिल चौधरी की खास रिपोर्ट। सूचना मिली कि कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर उजियारपुर थाना बनरा गाछी में छापेमारी की गई, जिसमें चमन पाठक पुत्र नागेंद्र पाठक चंदौली, सौरभ कुमार पुत्र दिलीप चौधरी रामपुर इकसीला, बिट्टू कुमार पुत्र महेश राम ग्राम मोहनपुर समस्तीपुर गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 एंड्रॉयड फोन, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि समस्तीपुर में जमीनी विवाद को लेकर अपने विपक्षी की हत्या करने हेतु बिट्टू कुमार अपने भूमाफिया साथी संजीत कुमार पुत्र रामविलास राम ग्राम मुक्तापुर के साथ मिलकर सौरभ कुमार एवं चम्मन पाठक व अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाने एवं पेट्रोल पंप संचालन के पुत्र की अपहरण करने की साजिश की जा रही थी। दिनांक 10/5/24 की रात संध्या कम से कम 7 बजे के आसपास एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के आलोक में उजियारपुर थाना अंतर रामपुर एक जिला बनरा गाछी जो क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस द्वारा रेड किया गया। रेड के दौरान देखा गया कि 3 अपराधकर्मी वहाँ पर हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति जो है वहाँ पर पकड़ाता और 1 व्यक्ति जो है वहाँ से भागने में कामयाब होता है। इन दोनों से जब पूछा गया उनके नाम के बारे में तो एक ने अपना नाम चमन पाठक और दूसरे ने अपना नाम सौरभ बताया। और जब दोनों को अच्छे से छानबीन किया गया, दोनों का फिजिकली जब हम लोगों ने चेक किया तो एक देसी कट्टा कारतूस और 500 ग्राम लगभग वो गांजा प्राप्त हुआ, जिसके स्वीकारोक्ति उन्होंने खुद की है। इसके बाद जब हम लोग आगे गए कन्फेशन, इन लोगों के कन्फेशन के आधार पर जब रेड किया गया तो लास्ट में लगभग 3 बजे के आसपास रात्रि को हम लोगों ने बिट्टू की गिरफ्तारी की है। और इन लोग सब जब देखा गया है ये लोग पूर्व से ही अपराधी रहे हैं, इसमें से 2 जो है वो पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है उनका। और ये लोग जो है वो भूमाफिया विरोधी पक्ष जो भूमाफिया है उनकी हत्या का साजिश कर रहे थे, प्लस से कुछ और जो अपराध की योजना है इन्होंने बनाया था जो इनके इनसे बात करने से पता चला है हमें।